दोस्तों आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन या परिचय की जरूरत नहीं है। एनी गेसेस? नहीं, आइए चलिए इधर आइए, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये बोर्ड देखिए, आप कोई हमारा जो है व्यूअर्स गेस कर पा रहा है कि हम किसके यहाँ पे आए हैं? अभी भी नहीं गेस कर पा रहे हो? एक क्लू और देता हूँ, ही इज़ अ लेजेंड इन सद्दी, इज़ अ किंग, इज़ अ लेजेंड, इज़ एवरीथिंग इन सद्दी। तो अभी भी गेस नहीं कर पा रहे हो? ज़्यादा स्ट्रेस लेने की माइंड पर ज़रूरत नहीं क्योंकि हम आ चुके हैं। चलिए बोल के नहीं बताऊँगा, दिखा के मैं दिखाता हूँ। तो ये आपको सीधे मिलाते हैं, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो, लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रेस है। तो आइए आपको मिलाते हैं, ये देख सकते हैं हमारे विंदी मामा। ये देखिए विंदी मामा, पाए लागू होली के बाद जो है अब आपसे जो है मुलाकात हुई संगम का टूर्नामेंट के बाद, और आप तो अपना कीमती समय दिया है और काम चालू है जैसे कि देख सकते हैं अड्डे पे। आइए अंदर आके दिखाते हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं अड्डा, दिखाते हैं जहाँ पे सद्दियाँ बनती हैं और जिस सद्दियों को लेने के लिए आप इतने परेशान रहते हैं कि विंदी मामा की सद्दी नहीं मिलती। आइए देखिए उसको कोई मेकिंग दिखाते हैं लाइव। ये देखिए ये हमारे विंदी मामा हैं जो सद्दियों को अभी टेस्ट कर रहे हैं कि सद्दी पकी नहीं पकी, बनी कि नहीं बनी। ये देखिए मल्टी कलर की सद्दी बन रही है, ये देखिए मल्टी कलर की सद्दी बन रही है, और ये देखिए कितना लंबा अड्डा है विंदी मामा का हमारे। ये देखिए, और ये देखिए नीचे सामग्री भी है, आप देख सकते हैं सामग्री है। ये ऐसे खास इंग्रेडिएंट हैं जो सिर्फ मामा ही जानते हैं कि इस क्या लगाना है, कितना लगाना है और कैसे परफेक्ट सद्दी बननी है। हालांकि सारा राज इंग्रेडिएंट में ही होता है, चाहे वो कुक हो, चाहे वो मंजी सद्दी हो, चाहे वो मांझा हो, हर आदमी की अपनी की इंग्रेडिएंट होती है जो उसका सीक्रेट होता है। और ये देखिए, और देखिए मामा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने वर्कर्स को कि कितना के हिसाब से काम करना। तो यही होता है दोस्तों, एक कारीगर जब बनाता है तो उसकी सद्दी अलग होती, जब लेजेंड खड़ा होकर बनवाता। ये देखिए हमारे मामा दिन भर एक पाँव पे खड़े होकर सद्दियों को चेक करते रहते हैं। एक पाँव का कहने का मतलब होता है कि बैठते नहीं हैं, मतलब होता है कि आप घर पे जाकर बैठ गए रेस्ट करो, ऐसा नहीं है। हर एक सद्दी को बारीकी से चेक करते हैं कि सद्दी प्रिपेयर हुई, क्योंकि मामा का हमारे जो प्रयागराज में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी नाम है, तो उस नाम के लिए मामा अपने नाम को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं अभी भी। 1 2 3 मामा 5 पिलर हैं, 5 अड्डे, ये देख सकते हैं। ये देखिए 5 पिलर है मतलब 5 अड्डे। और ये देखिए मामा इसकी लंबाई कितनी होगी? 50 मीटर 60 मीटर लंबाई, 50-60 मीटर लंबाई होगी ना। ये देखिए 50-60 मीटर लंबाई है, और ये देखिए 5 अड्डे हैं, 1 पिलर, ये 2 पिलर और 3 पिलर, आप ये देख सकते हैं 5 अड्डे मामा ने अपने घर में देखिए बनाए हैं और अपनी निगरानी में ही सारा काम करवाते हैं। और ये देखिए लेबर्स लगे हैं अपना काम करें, पर मामा के बिना क्वालिटी, जैसे होते हैं ना ISI मार्क हेलमेट में, उसी तरीके से हमारे मामा बिना क्वालिटी चेक के सद्दी आगे बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल रजिस्टर्ड करवाया आपने, बताइए मामा ने हमारी सद्दी रजिस्टर्ड करवा ली है? अच्छा, मोदी सरकार से। उसमें जो है इस्तेमाल ऐसे में नहीं है। अच्छा अच्छा, कि रजिस्टर्ड करवा ली है, बताइए मामा ने अपना जो एक सद्दी पेटेंट करवा ली रजिस्टर्ड करवा के। हालांकि इस मामले में किसी ने जो सोचा नहीं था मामा ने कर दिखा और गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। तो दोस्तों ये है मामा का हमारे घर, विंदी मामा का। ये मामा ऐसे हैं जिनके पूरे देश में भतीजे हैं, पूरे और ओवर इंडिया में ऐसे मामा हैं हमारे। और ये देखिए मामा घर में एंट्री करते हुए, ये देखिए आइए सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो फोकस करने वाली। ये देखिए ट्रॉफी, ये देखिए देखिए आप देख सकते हैं ऑल इंडिया काइट फ्लाइंग टूर्नामेंट, ये देखिए फैज़ाबाद और बीकानेर की। ये देखिए सबसे पहले इस ट्रॉफी पे मेंशन करेंगे, ये देखिए ये उन्हीं को मिलती है जिन्होंने दिन रात एक करके रखा होता है पतंगबाजी में। जिस शौक की हम बात करते हैं उसमें जब ये आखिरी स्टेज है, जैसा कि हमारे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है आखिरी स्टेज, वैसे ये देखिए। और इसको उठा के ये देखिए, इसको उठा के मैं इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जिस कंटेंट पे हम वीडियोस बनाते हैं वो ट्रॉफी आज मेरे हाथ पे है। तो ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा दिन है कि मैं इस ट्रॉफी को उठा सका, मेरे हाथ में इस ट्रॉफी है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ दोस्तों। अब मेरे हाथ में देखिए एक और दूसरी ट्रॉफी, ये देखिए सीनियर सिटीज़न, ये 26/2/2003 की ऑल इंडिया विनर जनाब खुर्रम, ये देखिए फ्रेंड काइट क्लब जौनपुर की।
यस जी जी, ये देखिए सीनियर सिटीजन का, तो मतलब ये कब का है ये मामा? ये अभी अभी का जो हुआ था अमृत महोत्सव। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए बीकानेर में जो हुआ था उसमें देखिए जितने भी हैं सब सम्मानित लोग हैं। और ये देखिए हमारे विंदी मामा 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे, ये देखिए। और जैसे उस्ताद आगो भैया भी हैं, ये देखिए कौल साहब भी हैं, ये ऐसे नाम हैं चाहे पतंगबाजी जो 10 15 20 साल से कर रहा वो ये इन सब नामों से काफ़ी अच्छे से परिचित। और ये देखिए, ये देखिए, अच्छा ये जो अच्छा उन्होंने कराया था पूरा। अच्छा अच्छा, ये देखिए सब, ये सब ये सब वालों ने कराया था। ये देखिए, ये देखिए सब वीर चक्र से देखिए सम्मानित हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। ये देखिए देखिए बहुत बड़ी बात है, तभी हमारे विंदी मामा हमारे प्रयागराज की शान कहे जाते हैं। बहुत नाम ऊंचा किया उन्होंने हमारा प्रयागराज में और पूरे इंडिया में, बच्चा बच्चा इनकी इनको जानता है कि हाँ विंदी मामा कौन है। अच्छा ये सर्टिफिकेट है, ये पर्सनली ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है जो हमारे विंदी मामा को दिया गया था। ये देखिए, अगर आपको विंदी मामा से परिचय है, देखिए ये देखिए एग्जीक्यूटिव मेंबर, और इनका पूरा नाम ये देखिए श्री वीरेंद्र पाल वाधवान, ये देखिए वधावन, ये देखिए प्रयागराज यूपी, ये देखिए। और इन ऑनर ऑफ 1971 बीएसएफ वॉर हीरोज, ये देखिए कितनी बड़ी सम्मान की बात है, बहुत गौरव की बात है कि ये देखिए हमारे प्रयागराज में हमारे विंदी मामा को इतने पुरस्कारों से नवाजा गया है। अच्छा अच्छा, तो पतंग शाखा बीकानेर, एस एस राठौर साहब फाउंडर 1953, गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ वही अभी अभी रिटायरिंग है आज। अच्छा अच्छा, एक ये देखिए ट्रॉफी और छोटी सी, ये देखिए हालांकि ये दिख रही होगी छोटी सी पर इसको पाने के लिए आदमी दिन रात एक कर देता उसको नसीब नहीं होती। ये देखिए ऑल इंडिया का टूर्नामेंट 2022 लखनऊ गेस्ट ऑफ ऑनर, ये गेस्ट ऑफ ऑनर जो है हमारे मामा जहाँ भी काइट मतलब पतंगबाजी होती पूरे इंडिया में वहाँ हमारे मामा मतलब गेस्ट ऑफ ऑनर होते ही होते हैं। इवन लास्ट आपने देखा होगा संगम काइट टूर्नामेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटा इवेंट हो बड़ा इवेंट हो हमारे मामा शिरकत हर जगह करते हैं। ये देखिए एक और सर्टिफिकेट आया, आप सिर्फ देखते रहिए सर्टिफिकेट की झड़ी लगा देंगे मामा। ये देखिए ऑल इंडिया काइट फ्लाइंग टूर्नामेंट 2022 दिल्ली काइट फ्लाइट एसोसिएशन, इसमें हमारे मामा देखिए, इसमें आप है ना, मैं ढूंढता हूँ रुक जाइए, इसमें मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाने दीजिए, आप मत बताइएगा, थोड़ा सा मैं समय लेंगे। ये रवि ठाकुर के बस नीचे नज़र पड़ने वाली थी आपने बता दी। ये देखिए कौन सर्टिफिकेट, तो हम सब तो सिर्फ पतंगबाजी करते हैं ग्राउंड में छत पे लड़ा के अपना शौक पूरा करते हैं, पर मामा ने अपना पूरा जीवन इस पतंगबाजी को दिया है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक बहुत बड़े लेजेंड है और आज हमारे मतलब कि चैनल का और हमारे मतलब कि जीवन का सबसे अच्छा दिन है जो आज मामा से मुलाकात हो रही है, वो इतनी कीमती चीज़ें हमें देखने को मिली। ये देखिए एक शख्स और मिलाते हैं, ये जर्मन शेफर्ड है मामा, जर्मन शेफर्ड, इसका नाम ये फीमेल है कीवी फीमेल है। ये देखिए तो मामा जब ये काम चलता है तो काम में दखल अंदाजी तो नहीं करती हैं, ये फैमिली डॉग है, फैमिली डॉग है मतलब काम में कोई वो नहीं। ये देखिए, ये देखिए कितनी मिलनसार है। गो गो, देखिए जैसे इसका नाम ये कीवी, ये अभी तक सो रही थी पर उठ के आ गई, यही होता है मामा का कमांड। मामा अगर ग्राउंड से कमांड दे दें तो पतंग कैसे ना उतरे। तो दोस्तों एक छोटा सा टी ब्रेक होने जा रहा है मामा के साथ, उसके बाद आप बहुत सारे सवालों की झड़ी है जो मामा के सामने हम लगाने वाले हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों बने रहिएगा चैनल पे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों में भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसे लेजेंड्स के वीडियो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, और वीडियो कम से कम पूरी देखिएगा, आधे में स्किप मत करिएगा क्योंकि ये लेजेंड वीडियो है, ये मतलब ऐसी ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है जिसे आपने 10 मिनट देखा और आपका मन भर गया। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है भाई की, पूरा वीडियो देखिएगा और मामा हमारे सामने मामा एक बार बोल दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरे लिए कर दीजिए। हाँ बस बिंदी मामा के लिए चाहते थे इस चैनल को लाइक, बस ये प्रयागराज का पहला चैनल, हालांकि मामा ने कई इंटरव्यू दिए हैं, कुछ लखनऊ के दो चैनल थे जिन्हें इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने खुद पर्सनली देखा था जब मैं ये चैनल मैं चैनल नहीं बनाया था। तो आज ये प्रयागराज का पहला चैनल और प्रयागराज की इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। तो चलिए मामा चाय का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है सवालों की झड़ी आपके सामने लगाते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में इस समय जो सर्टिफिकेट है, जैसा कि मामा ने बताया था कि इन्होंने अपनी सदी रजिस्टर्ड करा रखी है, तो उसका एक सर्टिफिकेट है मेरे हाथ में
और मैं उसी को ही देख रहा हूँ। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने जो रजिस्ट्रेट करा रखी है, हालांकि लोग अपना कोई भी आइटम पेटेंट कराते हैं, कोई बड़े बड़े आइटम, लेकिन मामा की देखिए, मामा ने सद्दी किंग इसीलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने अपनी सद्दी पेटेंट करा ली है, वो भी गवर्नमेंट से, तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले आपका काइट बाजी में बहुत बहुत स्वागत है, और आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया कि हम आपसे मिल सकें और एक छोटा सा इंटरव्यू कर सकें। तो मामा, सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि ये आप जो सद्दी का सफ़र है, हालांकि जहां तक मेरी नॉलेज है 40-45 साल आपको इस लाइन में हो चुका है, तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, मतलब कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि लोग जहां पूरी दुनिया सफ़ेद सद्दी उड़ा रही है, आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि इस सद्दी को मैं रंग बिरंगी कर दूंगा, रंगीन करूंगा, लोगों को जैसे हाथ कटते हैं, मतलब इतनी पॉलिशिंग करो, इतना इनोवेटिव आइडिया आपके पास आया कैसे? ये एक दफ़ा मैं बता चुका, लेकिन फिर मैं आपको चैनल को रिपीट कर देता हूँ कि मैं पतंग उड़ाता था, शौक था मुझे जी, स्टूडेंट लाइफ से भी, तो टाइम निकाल के सद्दी बनवाने जाता था, तो लोग मुझे बहुत दौड़ाते थे, इधर आओ, कल आओ, परसों आओ, कारीगर लोग जी। एक दिन 4-5 दिन जाने के बाद फिर उसने बुलाया, ऐसी मामूली सी लई लगा के उसने लपेट के हमको दे दिया, और कहने लगा लीजिए मंजी सद्दी है, हो गया। तो मैंने कहा इतने दिन हम इसने में दौड़ाया, और सद्दी एक हम लोग को पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला इलिटरेट आदमी, अच्छा, ऐसे हल्की सी लई लगा के छोड़ दिया, और लेने वाले पतंगबाज को क्या बात कहें, वो भी लोग ले रहे थे। अच्छा। तो मेरे रिलेशन में केमिकल इंजीनियर थे, सब लोग थे, मैंने इस कहा कि नहीं, ऐसे अंधेड़ गर्दी नहीं, या तो आदमी कोई पैसा लेता है तो उसको चीज देनी चाहिए। मैं कहा इसी लाइन में, क्योंकि मुझे पतंग का शौक़ था, पतंग का शौक़ से मैंने अब इसको रिसर्च करना शुरू किया। अच्छा। इस पर केमिकल मिट्टी, अपनी छत, मेरी छत 70-80 मीटर लंबी थी, पुराने मकान में रहता था, अच्छा, उसके ऊपर मैं बनाना शुरू किया, बहुत डोरे बर्बाद किया, बहुत बर्बाद किया, फ्री ऑफ कास्ट मैंने कम से कम 20 साल गिफ्ट बांधे, 25 साल। अच्छा। तब ये 10 साल आज हो गए जो मैंने इसे सेल पर्पज से बनाया, और हर इंसान को सक्सेस होने का एक राज है, हमेशा मैं कहूँगा, अगर उसको किसी बिजनेस में उसका वो चीज़ का गेम का शौक है, उस चीज़ का वो बिजनेस करेगा, 100% सक्सेस होगा। हमें पतंग का शौक़ था, इसकी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब मुझको पता थी, तो मैंने इस चीज़ को, कास्ट बहुत ज़्यादा आती थी, अच्छा, तो मैंने इसको जो है ऐसा किया। मामा ये बताइए, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि डोर गिराने का, इसका डोर गिराने क्या मतलब है? यानी ये डोर कम्प्लीट हो चुकी है। अच्छा। अब एक्चुअली आज जो है फ्राइडे पड़ गया। हाँ, आज फ्राइडे है, तो कोई कारीगर है नहीं। अच्छा अच्छा। सब दो ये लगे 4-3 आदमी सब गए हुए हैंगे। अच्छा। तो ये डोर उस पे चर्खी पे लपटी जा रही है। अच्छा। तो इसको मैं ही कर रहा हूँ, क्या करूँ भाई। अच्छा, लटा देता हूँ, मतलब ये लटाई मिले फिनिश हो गई, मतलब वो उधर फाइनल लपेट रहा मशीन में। अच्छा अच्छा। दोस्तों वो देख सकते हैं, ये कम्प्लीट हो गई है डोर, और मामा जो है, हाँ, फाइनली अब उतर रही है, और मामा ने चेक कर लिया, ये एक कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई अब वो नहीं है, कुछ काम नहीं बचा है। तो मामा एक चीज़ पूछनी थी, जैसे सद्दी अभी कंप्लीट हुई, अभी बनी है, तो इसको कितने समय बाद उड़ा सकते हैं? कुछ नहीं, वो चीज़ें केमिकल पे है, पहले था सिस्टम, हमने बनाया था जी, अब लोग इतना बर्दाश्त नहीं करते, महंगी डोरें लेते हैं, कहते आज लोकल इस्तेमाल करो, मिलती भी नहीं जल्दी उन लोग को जी जी, तो मैंने वो मटेरियल डालना शुरू किया कि आज लोग दो तीन दिन बाद उड़ा सकते हैं। हालांकि गर्मी आ गई, डोर जल्दी सूख भी अब जाती है, नहीं सूखने से नहीं, मतलब कोई मतलब है, केमिकल होता ना, अलग अलग मटेरियल होते हैं, क्या कब डालना है। अच्छा, कितना क्या डालना है। अच्छा अच्छा, ये है, चलिए 2-3 दिन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 2 दिन रेडी टू गो वाली है। अच्छा अच्छा मामा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपकी सद्दी सबसे अच्छी और थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि सबसे अच्छी प्रीमियम रेंज की आप सद्दी बनाते हैं। अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दुनिया कहती है। नहीं नहीं, कहते आप हैं, दुनिया कहती है जी, हैं, और मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन मैं तो बस बनवाया, खुद बनाता था, तजुर्बा कारीगरों को सिखाया, मटीरियल मेन कमाल इसमें केमिकल मटीरियल का है, इनको बनाया, बन रही, अच्छी जा रही, आप पसंद कर रहे हो, लड़ा रहे, अच्छा लड़ा रहे हो, सद्दी लड़ रही है, आपकी मूवमेंट आपके इशारे पे चल रही है। हाँ। इससे अच्छा और क्या है? और सद्दी में इस समय हम छू रहे हैं, मतलब इतनी प्यारी सद्दी है, जो लोग कहते हैं उन्हें मिलती नहीं है सद्दी, तो मुझे समझ में आ रहा है क्यों नहीं मिलती है। ये देखिए बहुत प्यारी सद्दी है, देखिए सिर आ गया। तो सवाल मेरा ये था कि कॉस्टली होती है, अच्छी होती है, और आपकी सद्दी के नाम से कई लोग डुप्लीकेट ऐसी करते हैं, तो ये अब तो मैं सामने सद्दी देख रहा हूँ, हालांकि अब मुझे कोई दूसरी सद्दी पकड़ा दी जाए तो मैं फ़र्क नहीं कर पाऊँगा आपकी कौन सी है। हाँ, हाँ,
तो इसको कैसे भापा जाए कि आपकी ओरिजिनल सर, क्योंकि देखिए आपके नाम पे जो पैसा पे कर रहा, सीधी सी बात है वो ज़्यादा ही करेगा मार्केट से, तो जब इतना पैसा पे कर रहा तो उसको ओरिजिनल चीज़ कैसे मिले? हाँ ऐसा है ना, एक मिनट रुको, साथ है इसमें खराब हो गया, देख रुको। ये देखिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एक जगह जरा सी मिसप्रिंट थी, जरा सी मतलब आप 3 इंच की मिसप्रिंट थी, ये देखिए मामा उसको भी सुधारते हुए अपने हाथों से, मतलब आप 1.5 से 2 इंच की भी मिसप्रिंट नहीं पाएंगे सर्दी में। ऐसे नहीं कि चालू काम किया और फेंक दिया, आप देख सकते हैं सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 इंच का मिसप्रिंट था और मामा ने खुद देखिए केमिकल जो भी था मामा के इंग्रेडिएंट उन्होंने उसे बिल्कुल दुरुस्त किया। तो ये होता परफेक्शन काम में कि 1 इंच की भी मिसप्रिंट बर्दाश्त नहीं है, और मामा देखिए स्वयं लगे हैं। लोग क्या करते हैं, अपना एक अड्डा हो जाए, अपनी कारीगर बैठा देते हैं, कारीगर बना रहे हैं, और अपने नाम की अगर एक बार सद्दी चल जाती है तो अपने नाम की रॉयल्टी खाते हैं। पर मामा देखिए इस उम्र में भी 40-45 साल हो गए इस लाइन में, और देखिए अच्छी खासी मामा की एज है, और देखिए कितने फिट हैं, और देखिए अभी भी अपनी सद्दी को लास्ट टच मामा ही देते हैं। तो ये होता है परफेक्शन, जस्ट लाइक आमिर खान कि साल में एक फिल्म करनी है पर परफेक्ट करनी है, वही हिसाब है हमारे मामा का। ये देखिए हालांकि गर्मी शुरू हो गई है, 40 डिग्री पार हो चुका है प्रयागराज टेम्परेचर, और इतनी गर्मी में भी मामा जो है देखिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लड़के लड़के घर में बैठे रहते हैं, उनके लिए देखिए बहुत बड़ा ये मिसाल है। इसका रीज़न ये है जी, मैं एक्चुअली बीपी हार्ट का भी पेशेंट हो गया हूँ। अच्छा बीपी हार्ट, अनफॉर्चुनेटली देखिए बीपी हार्ट के पेशेंट हो गए मामा। हमें एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अगर हम ये सब नहीं करेंगे जी तो हम जल्दी डेथ हो जाएगी। अरे मामा ऐसा ना बोलिए, अरे आप 100 साल जी मामा। क्या है ना, देखिए इंसान को अपनी बॉडी की फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा नहीं नहीं फिटनेस जरूरी। अच्छा मामा आपने फिटनेस की बात कही है तो मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा सर्दी से हट के। हमने अभी कुछ दिन पहले एक पोल करवाया था, हालांकि मैं लाइव भी आता हूं अपने चैनल पे, तो मैंने एक दिन पोल किया था कि कौन कौन जो, देखिए आपका क्या मानना है कि फिटनेस पतंगबाजी में जरूरी है या नहीं? फिटनेस ये शरीर बिना फिटनेस के बेकार है, बेकार पतंगबाजी तो अपनी जगह अपनी जगह, मतलब कि अगर हम पतंगबाजी से रिलेटेड बात करें, अगर आपको जिंदा रहना है तो फिट रहना है, फिट रहना है तो आप पतंगबाजी करते हो, कोई भी आउटडोर गेम खेलते हो, या आपको अपना सादा जीवन ही क्यों ना जीना, ऑफिस हो दुकान हो आप कुछ भी करते हो, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा कहने मतलब यही था कि मामा अब फिटनेस पे भी, बीमार आदमी क्या करेगा, क्या करेगा बीमार आदमी क्या करेगा, बहुत अच्छी बात की मामा ने, बीमार आदमी क्या करेगा, बिस्तरे पे लेटेगा, आईसीयू में पड़ा होगा, कुछ पैसा खर्च करवाएगा और एक दिन भगवान को प्यार हो जाएगा। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, और मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपये, एक छोटी सी बात है, आप उस 10 करोड़ को इन्जॉय कैसे कर पाओगे अगर आप अनफिट हो? तो हम अपने चैनल पे अब फिटनेस रिलेटेड भी बात करेंगे, और बहुत जल्दी हम और मेरा जो हमारा भाई है अगम, जो हमारे कैमरा मैन है जिसे आप सब जानते हैं, हम लोग खुद जिम ज्वाइन करेंगे, और जिम में क्या क्या होता है, क्या डाइट होती है, क्या खाना होता है, कि कैसे वेट घटाना है, कैसे बॉडी बिल्डअप करनी है, हर चीज़ पतंगबाजी चैनल में इसको लेके आएंगे, मतलब अब इसको बड़ा स्पोर्ट्स हम बनाने की तैयारी में कर रहे हैं। अभी तक ये इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया होगा, जैसे आपने सद्दी में इनिशिएटिव लिया ना, अब हम इस गेम में फिटनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं जी, और ये हमारे इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। तो मामा आपका समर्थन चाहिए, और एक बार सबको बोल दीजिएगा, एक बार सारे दर्शकों को जरूर बोल दीजिएगा कि पतंगबाजी करो या कुछ भी करो लाइफ में फिट रहो, और फिट रहना हो तो काइटबाजी पे आओ। तो मामा जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये रंग बिरंगी, ये एक कलर की सद्दी है? नहीं डबल कलर, डबल कलर की, डबल कलर की है, और काफ़ी मल्टी कलर भी आप बनाते हैं, सिंगल कलर भी बनाते हैं। तो फिर भी मेरा एक सवाल रहता है कि इंसान मतलब प्लेयर को कौन सी सद्दी उड़ानी चाहिए, मतलब प्लेन ही उड़ानी चाहिए जैसे एक रंग की या मल्टी कलर, और दोनों में क्या फ़र्क, कुछ फ़र्क भी रहता है? उड़ानी तो वैसे प्लेन ही चाहिए, उड़ानी प्लेन चाहिए, मल्टी कलर रंग रंग होता है लोग में बहुत, अब लोग कहेंगे कि मल्टी कलर, एक तो सबसे बड़ी बात लेबर कास्ट मटेरियल महंगा पड़ता है, और दूसरी बात है क्वालिटी तो खैर जो होती होती है, कि बहुत बारीकी से अगर आप इस सद्दी को देखेंगे तो जैसे दो कलर के जी, अब लेंस से देखेंगे तो इसकी गेज में फर्क मिलेगा आपको। हाँ जो एक आम आदमी अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, तो वो चीज़ इतनी बारीकी हम लोग पकड़ते हैं इसे, तो हमारी नज़र में प्लेन उड़ा है सबसे बेस्ट, प्लेन उड़ा है सबसे बेस्ट है, सस्ती भी पड़ती है हाँ, और अच्छी भी रहती है। बाकी शौक की हाँ, वजह क्या, मल्टी कलर हम बनाते हैं, अच्छा बहुत कास्टली पड़ती है, अच्छा अच्छा, हालांकि काम दोनों का सेम ही है, सिर्फ शौकीनों के लिए है मल्टी कलर, और क्या जो पैसे दे सकते हैं और जो उड़ा है, हालांकि काम दोनों एक करती है, काम दोनों एक करती है,
लेकिन मल्टी कलर भी कारीगर पे डिपेंड है कैसी बनी है, कैसी बनी है, क्योंकि कई केमिकल यूज होते हैं, कॉस्टिंग पड़ती है, मेहनत ज्यादा लगती है। हर कारीगर का काम करने वालों का अपना तरीका तरीका है, कैसे करते हैं है? कैसे करते हैंगे? तो मामा वैसे तो सद्दी का रोल जो है पतंगबाजी में सबसे इम्पोर्टेंट है, सब जानते हैं, पर सब लेकिन सारे प्लेयर या जैसे हम लोग भी हैं अभी पतंग लड़ाते हैं, पर हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सी हवा में किस कौन से नंबर की सद्दी उड़ानी चाहिए। इस चीज़ की जानकारी अभी तक किसी को ज़्यादा प्लेयर का नहीं है। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है जी, तो आदमी मोटी सद्दी चार नंबर लड़ा लेता है। अच्छा, और जनरली वैसे तीन ही नंबर लड़ानी चाहिए। तीन नंबर ये अच्छी होती है, हाथ पे सेट होती है, मोटी भारी होती है। मोटी भारी होती है, भारी होती है। तो मतलब अगर मान के चलिए 13-14 की हवा है, मतलब कि अच्छी हवा है, तीन नंबर उड़ा और बहुत तेज अंधड़ में 18 प्लस में चार नंबर। हमने तो कभी आज तक मोटी उड़ाई भी नहीं है। मोटी उड़ाई नहीं, नंबर उड़ाते हैं जनरली लोग, तीन ही नंबर लगाते हैं। तीन नंबर उस बेस्ट सब जगह चल जाती है, सब जगह चलती है। अच्छा, एवरग्रीन, एवरग्रीन सद्दी है। चलिए मामा का फेवरेट नंबर है 3-4, 3-4 सद्दी उड़ाइए जो हर जगह चल जाती है। हर शहरों में कुछ शहरों के नियम अलग है, नियम अलग अलग, जैसे इलाहाबाद में 3 कहते हैं, बरेली में 6 कहते हैं। अच्छा, दिल्ली में 3 कहते हैं। अच्छा, लखनऊ में 6 कहते हैं। लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ी बात कि इसका गेज, अच्छा इसका गेज क्या है, असली में इसका गेज 10 नंबर है, जो आज तक कोई भी ना पतंगबाज कहता है, जो कंपनी जिसे 10 नंबर गेज कहते हैं। अच्छा, ये वो है नंबर जिसे लोग, हम लोग अब पतंगी भाषा में 3 नंबर 6 नंबर बोलते हैं, 6 नंबर बोलते हैं। हाँ, ये कंपनी का एक्चुअली रियल इसकी मोटाई जो है 10 नंबर है। 10 नंबर है ये, आज तक देखिए किसी को नहीं पता था। यही बात आपने देखी, हर चीज़ वेल रिसर्च कर रखी है, तो हर चीज़ की बारीकी आप जानते हैं जी। बाकी आप किसी से पूछेंगे वो 3 नंबर 6 नंबर में हमको आगे बढ़ा दे। अच्छा, हम लोग क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि अगला क्या कह रहा है, उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए। आधी बात जैसे डॉक्टर पास गया, वो मरीज कहते रहते, डॉक्टर समझ जाते हैं, वो बस आपने मुंह खोला, मर्ज की बताई है, उतना डायरेक्ट दवा लेकर दे, चाहिए क्या, चाहिए क्या। और थोड़ा सा एक चीज पूछते हैं कि आपकी पेच क्या है। पेच के हिसाब से कभी कभी आदमी की पेच, कुछ लोग एक वन साइड खींच के एक डायल की पेच करते, खींचा मार के उस कोने से उसको, कुछ लोग एक हाथ खींचा दो हाथ किया टेक्निकल पेच करते। ये टेक्निकल पेच के लिए बेस्ट है, टेक्निकल पेच के लिए। कहीं जैसे आप, इसका बहुत बड़ा रोल सब्दी का ये है, आप उड़ा रहे हैं पेच लड़ी आपकी, किसी जगह आप गलत मुद्दे से फंस गए, आपकी जाने वाली, आपने जोर जोर झटके मार दिए, अगले की कड़ी आती है। वो कहते हैं ना, समुंदर में जब दरियाओं में डूब रहा है आदमी तो हाथ मारता है, तो यही हाल है, जब पतंग तब तो कटी गई है मेरी, तो क्यों ना हाथ मारने की कोशिश करें। कई बार तो, होता क्या है कि जैसे मान ली सामने वाले ने गद्दा चल दिया, अब हम अब मुड्ढा बना रहे चलने वाले के, हम चल नहीं पाए, अब उसमें उसका गद्दा पड़ रहा, हम देख रहे हैं आपका मुंह गलत, मुंह गलत हो गया, तो हम झटके ही मारेंगे, मेरे पास लास्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो आपकी सद्दी में अगर हमने झटका मारा, तो ये स्प्रिंग वहाँ तक आगे तक जाएगी। ऐसा देखिए, मैं किसी और सद्दी की बुराई नहीं करता ना, कोई बात है, मेरी सद्दी में क्वालिटी क्या है, खूबी मैं अपनी खुद आप कहेंगे खूबी जी। अब यहाँ इसको मूवमेंट उंगली चलाएंगे, आगे उसके पत्ते, पतंग के पत्ते पे जाएगी, और किसी डोर में नहीं जाती। अच्छा, और किसी डोर में, ये देखिए फील हो रहा है, किसी डोर में नहीं जाएगी। गिटार का वो जो स्प्रिंग होती है, अगर किसी को वायर, ये देखिए किस तरीके से, देखिए वहाँ तक जो है टिंग टिंग आवाज कर रही है। देखिए लाइव सद्दी अभी ताजी बनी है, और ये 2-3 बात दिन बाद देखिएगा इसका क्या हाल होने वाला है। ये देखिए जैसा कि मामा ने कहा, लाइव हम दिखा रहे हैं, वाह मजा आ गया। मामा एक मेरा एक सवाल और था जी, जैसे कि आप इतने पुराने हैं, मतलब लेजेंड आपको कहा जाता है, आप यू आर नॉट अ प्लेयर, यू आर अ लेजेंड, और आपको शायद पतंगबाजी की दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको ना जानता हो, मतलब जो नहीं जानता तो हम उससे बोलेंगे न्यू कमर कल आया है। जहाँ तक मेरा मानना है, मतलब आप ऑल इंडिया फेमस हैं, तो एक छोटा सा मेरा सवाल था, आप लखनऊ, बरेली, दिल्ली, मुरादाबाद, जो भी सिटी में आपको बता दूं जहां पतंगबाजी होती, बीकानेर, हर जगह आप जाते हैं, हर जगह आप शिरकत करते हैं, हर जगह आपका आदर सम्मान है। अगर मैं आपसे टॉप 5 प्लेयर, मैं प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे इंडिया में प्लेयर मिला के अगर आप टॉप 5 की रेटिंग करें, उसमें इलाहाबाद के भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो आपका आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर टॉप 5 प्लेयर की बात करें, तो आप 5वें नंबर से शुरुआत कर सकते हैं, जो टॉप 1 होगा सबसे बेस्ट प्लेयर होगा आपका। अब ये बताइए जी,
ना कोई टॉप रहा और ना कोई बॉटम रहा जी, ये समय का दौर है जी। आज वो टॉप पे है, कल वो टॉप पे जी जी, वो तो है। तो हम किसी का नाम लेके क्यों किसी को छोटा बड़ा नहीं नहीं, ऐसे होता है ना कि क्रिकेट इंडस्ट्री में लोग पूछते हैं आपके टॉप 5 क्रिकेटर, तो हम अब आपसे यही सवाल पूछ सकते हैं। देखिए होता क्या है जी, हम किसी का नाम लेंगे हाँ, इसके बाद दूसरा आएगा जी, तो एक दौर है, ये तो दौर है जिंदगी। अच्छा करंट में बताइए, चलिए आप पुरानी बात नहीं, कल की बात नहीं, आज की बात करते हैं। आज की बात जो आपको लगता है ही इज द बेस्ट प्लेयर। देखिए अब बेस्ट प्लेयर तो या टूर्नामेंट जीतने से कहेंगे या पतंग लड़ाने नहीं, से नहीं, पतंग लड़ा जो आपको लगता है, पतंग अच्छी लड़ाता, अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट नहीं जीता पाया, पर ही इज अ गुड प्लेयर एज अ, उसमें आगा भी है आगस्ता, लेकिन जो है वाकई उनके पास तजुर्बा है। हाँ तजुर्बा है, और नहीं प्लेयर तो बहुत है, किसी का नाम ना लो वो भी अच्छी बात नहीं, किसी का लो तो वो कहेगा मेरा ये मेरा नहीं, इस पे थोड़ा अच्छा इस पे वो कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा तो अच्छा, वजह क्या है देखिए प्लेयर बहुत से होते हैं जी, और किसी का नाम ना लेना लेना ये आ, जिसका नहीं लें वो कहेगा मेरा क्यों नहीं लिया, मैं भी अच्छा लड़ाता हूँ, और जिसका लिया और एक दौर सब हर इंसान का एक दौर होता है, सही आज इनका है कल उनका है कल उसके बाद कोई और का भी। लेकिन मेरी एक बात है जी, मैं हमेशा नए लड़कों को प्रेफरेंस देता हूँ जी। जहाँ तक मुझे याद है जब संगम का टूर्नामेंट में आपने मिले थे हमसे, तो आपने मुझसे एक बात कही थी कि टूर्नामेंट ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे अंडर 20 लड़के रहें, हाँ, जहाँ पे यंग टैलेंट निकल के आए, हाँ, आपने मुझसे पर्सनली हाँ, बात मुझसे कही थी, तो इससे भी हम इत्तेफाक रखते हैं और अब ये कोशिश करते हैं कि अगर प्रयागराज में फिर कभी जैसे अगले साल को टूर्नामेंट होता है तो उसमें इस तरीके की श्रेणी रखनी चाहिए कि कैटेगरी जहाँ पे अंडर 20 लड़के हों। भाई यंग टैलेंट देखिए हर आदमी निकालता है, क्रिकेट में भी निकलता है, हर एक गेम में अंडर 19 अंडर 16 होता है, यहाँ भी निकालना चाहिए। अब होता क्या है जैसे कि आपने मुझसे बोला कि अंडर 19 कोई प्लेयर है, आपने उसको सीनियर प्लेयर से लड़वा दिया, इसमें कुछ नहीं हो सकता पतंगबाजी में, आज हमारी बात सुनो। अच्छा वजह क्या है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है जी, जिस दिन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा तो इसके रूल रेगुलेशन बनेंगे जी, है मैनुअल बनेंगे, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग सब काम होगा। यहाँ जो जैसा पाता वैसा, सीनियर सिटीजन की उम्र क्या होती है, 60 साल, 60 साल, यहाँ 45 साल का सीनियर सिटीजन पतंग लड़ाता है। अब आगे इस बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा है, क्योंकि इस पे कोई सरकार की कमांड नहीं, कमांड नहीं है, कोई गवर्नमेंट की नज़र नहीं आएगी, अपने ढंग से अपने रूल बनाते हैं हर लोग है। हाँ। लेकिन जो सही समझ में आता है जिसको चला रहा चला है, चल रहा है। हाँ। पॉलिसी में कुछ चेंजेस होने चाहिए। हाँ सही बात, इसके ऊपर कमांड किसका है, या तो किसी का डर होगी हमारी संस्था चली जाएगी, आज संस्था गई कल दूसरा रजिस्ट्रेशन हो गया, इलाहाबाद में कितने रजिस्ट्रेशन है, कौन सा सक्सेस है, सही बात, हर शहर की इलाहाबाद क्या, वो तो मैंने इलाहाबाद रहे इलाहाबाद कह दिया जी। हर शहर में भाई काम करो, काम करोगे आप सक्सेस, काम नहीं करोगे सर्टिफिकेट लेके बैठ जाओगे, खत्म माल लेके बैठे रहो, उससे क्या होता है, काम करोगे आपको, जब फिजिकली काम करोगे फील्ड पे उतरोगे ऑटोमेटिक लोग जानेंगे जी जी जी। आप मुँह से कहते रहोगे कि मैं फलाना हूँ ढिकाना हूँ, तो कहते रहो, ऐसा नहीं होता। हालांकि इस चीज़ को तो हमने भी रियलाइज़ किया जब हम फील्ड पे उतरे, हालांकि पतंग तो हम लोग भी काफ़ी साल से लड़ा रहे हैं, पर जब हम टूर्नामेंट में उतरे और जब हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों से मिलना शुरू किया, लोग हमें जानने लगे, तो ऐसे ही होता है, आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। ये तो एग्जांपल, इससे अच्छा तो हम समझ ही नहीं सकते, वाकई आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। आप फील्ड पे नहीं उतरेंगे, हाँ, कागज पे आप, हाँ, जो मर्जी सिग्रेटरी जो मर्जी बना लीजिए, सही बात है, जो मर्जी बन जाइए, आप फील्ड पे उतरिए, लोगों से मिलिए, लोगों की भावनाएं समझिए, अगर आपको वाकई कुछ करना है तो पहले आगे बढ़ के आप हेल्प कीजिए, हेल्प करिए, किसी की कोई प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, तब बीड़ा उठाइए। हम लोगों ने निस्वार्थ बिना पैसे का सारी जिंदगी पतंगबाजी मैदानों में लड़ाई और लड़वाई भी, किसी से पैसा एसोसिएशन में थे कभी किसी से पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो ठीक है अगर कोई पैसा लेता अच्छी बात है, लेना चाहिए, कहाँ से एसोसिएशन सही बात है, हाँ, बात नहीं है, हाँ, लेकिन उसको संचालन तो अच्छी, हाँ, उसका संचालन अच्छा होना चाहिए, बाकी आप हाँ, पैसे ले रहे हो तो सर्विस अच्छी दो। आज आप सुन लीजिए, अच्छा आप मोहब्बत और लिहाज करेंगे प्रशासन आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन संगीन के बल पर चलता है, आप जब तक टाइट नहीं हो गए, हम आपको जानते हैं ये चीज़ हटा देंगे वहाँ से, जो नियम है कानून सबके साथ है, उस दिन आप सक्सेस हो गए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, वरना जान पहचान बनाते रहो। हाँ सही बात है, अगर देखिए इसके लिए बुराई भी मिलती है, हाँ इसके लिए बुराई मिलती है। आदमी ये नहीं लेना चाहता, सोचता मैं सबसे अच्छा बन जाऊँ,
बड़ी गहरी बात कह दी आपने इशारों इशारों में। तो मामा ये 20-25 सालों में जो पतंगबाजी में, हालांकि हर इंडस्ट्री में खेल बदला है, तो पतंगबाजी में 20-25 सालों में क्या आपने सबसे बड़ा परिवर्तन देखा है? ये बहुत फास्ट होगी दुनिया, दुनिया फास्ट होगी। पहले मैनुअल काम होता था, धीरे धीरे अब कंप्यूटर की तरह होने लगा। पहले पेंचे लड़ती थी आराम से प्यार से, आजकल पेंच की धाड़ पकड़ हाय 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 फटाफट हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट इंस्टेंट रिजल्ट तुरंत मिलता है, तुरंत 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 मिलता। पेंचे आदमी ज़्यादातर मतलब टेक्निकल करके ख़त्म करता है। अच्छा, फटा बहुत फास्ट हो गई पतंगबाजी, बहुत तब्दील चेंज आ गया। पहले खींच और फंसा के लड़ती थी ज़्यादातर, अब क्या होता है कि किसी ने अंदर दिखा दिया। अब आज के दौर में इतनी टेक्निक है कि कब कौन किस वक्त कहाँ पे क्या कर जाए कुछ पता नहीं। ये उसकी अपनी विवेक का हैगा, उसका विवेक क्या कहता है और कहीं सक्सेस होता है कहीं नहीं सक्सेस। मतलब पतंगबाजी भी स्मार्ट हो गई स्मार्टफोन की तरह, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, और हर चीज़ अपग्रेड हो रही, तो पतंगबाजी क्यों ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए पतंगबाजी भी अपग्रेड। मामा एक आपसे एक और सवाल था मेरा जी, कि ये देखिए जैसे कि हर इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर का एक आइडल होता है, जैसे विराट कोहली का सचिन था, किसी का कपिल देव है, हर एक इंडस्ट्री में होता है, एक्टर के होते हैं, तो आपका इस फील्ड में कोई आइडल है, मतलब कोई जैसे कि उस्ताद रहे हो कभी, या आपने देखी इतनी उम्र हो गई है आपके 40-45 साल आपने इस लाइन में दे दिए, तो क्या आपने कोई अभी तक शागिर्द अपना है कि मेरे बाद मेरी विरासत को ये संभाले? क्योंकि देखिए बहुत वेल रिसर्च चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि किसी कोई तरह पेंट सद्दी बना दी, मसाला ऊपर से जैसा आपने बोला कि लई लगा के बना दी, चालू काम तो है नहीं। बहुत ज़्यादा अपने जीवन के आपने 45 साल दिए हैं, 45 साल के साधन हैं आपके इसके, तो क्या इस साधना को किसी मतलब कि किसी को मतलब शागिर्द आप बनाएंगे, या कभी आपका कोई उस्ताद रहा है आपके जीवन जिसको देख के उसने आपको बोला है? मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा, मैं खुद वो लोहा हूँ जो पक पक के लाल हुआ हूँ, आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अच्छा, मुझे जिस जो भी मेरा मतलब जिनसे कभी किसी ने पूछा, हर इंसान ने मुझको बेवकूफ़ बनाया। मैंने सुना सबकी कि अच्छा, कैसे होता था क्या होता है, लेकिन हर चीज़ को मैंने अपने बूते पे किताबों में पढ़ा लिखा था जी। मेरे रिश्तेदार अच्छी पोस्टों में केमिकल इंजीनियर थे जी, उन लोगों की राय लेके कितना मटीरियल बर्बाद किया, बहुत बर्बाद किया। आज जो लोग बिंदी मामा के नाम से जानते हैं जी, वो इसलिए नहीं जानते कि 2-4 सालों में जान गए, उसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो पता लगेगा हाँ तरक्की पर कितने साल लगे। अच्छा, जैसे कि आदमी भूल जाता है जी जी, जैसे कि साइंटिस्ट होता है ना, जब तक वो देखिए डिस्कवरी करता रहता 10 साल, उसे सब पागल कहते हैं, अरे यार ये क्या तुम खोज रहे हो, इसमें क्या है, सरकार का पैसा वेस्ट करो। लेकिन जब वो चीज़ इन्वेंट हो जाती है तब उनके पीछे सब भागते हैं। ऐसी सेम कहानी आपकी है, क्योंकि सदी में नया इन्वेंशन। और अच्छा मामा, जैसे कि ये तो मंजी सद्दी है, जैसे पेंट सद्दी भी आती है, मसाले वो सब क्या होती है? पेंट सद्दी वो एक ऑयल पेंट होता है, ऑयल पेंट, उसमें ऑयल पेंट चढ़ा दिया जाता है। ऑयल पेंट चढ़ता क्या, वो ऑयल पेंट का लिक्विड कर देते हैं। अच्छा, टारपीन के साथ। अच्छा अच्छा, मैं एक दफा चढ़ा देते हो सूख जाती, बन जाती है बस, उसी का टारपीन के तेल से उसे ऐसे कपड़े में लगा के ऐसे खींच देते हैं, जैसे सूखती है तो वो अपने आप चिकनी आ जाती। तो ये तो खाना पूर्ति वाली बात है, ये तो खाना पूर्ति वाली बात है कि पेंट में लगा दिया। इससे अच्छा फिर हम ऑयल के डब्बे में ना कौन डुबा के रख दो, सुबह निकाल ले रंगीन सद्दी। ये तो हर आदमी कर सकता है, अपना अपना है सिस्टम है आदमी इंसान का। हाँ, किसी की कोई कमाई का कुछ है जी जी, उसके बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है जी, अगर किसी को कहीं से 2 पैसे मिल रहे हैं। लेकिन मामा ऑयल पेंट में भिगा के, और अभी कही थी आधी रह गई जी, उस्ताद के तो बारे में बता जी जी, शागिर्द। अब आपने मुझसे ये पूछा कि किसी को शागिर्द, मैंने कहा शागिर्द क्या बनाए, किसी को मैंने थोड़ा सा कभी बताने की कोशिश किया तो वो तो पहले ही मुझसे बड़ा उस्ताद बन जाता है। इसलिए मन मेरा टूट गया, ये मेरी जिंदगी के जीते ही जी यहीं ख़त्म हो जाएगा, जो हुनर है कोई लेने वाला नहीं है, कोई हुनर लेने वाला नहीं है आपका। और जिसको आप सिखाएंगे वो आपसे बड़ा उस्ताद कहलाएगा, वो मुझसे सिखाने से पहले मेरा उस्ताद बन जाता है। अच्छा, या तो सीख जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें सबसे बड़ी बात मेरे यहाँ कारीगर पैसा कमा सकता है, खूब पैसा कमाएगा जी, कारीगर बन नहीं पाएगा, उसकी वजह क्या, मटीरियल में सब अपने अंदर से बना के लाते जी, इनके सामने कुछ बनता ही नहीं है जी जी, इनको पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ, पैसा लो जितना ले सकते लो, इनको पता ही नहीं, सिर्फ मेन कमाल मटीरियल का। सही बात है, हर जो भी बड़े बड़े होटल्स हैं उनकी इंग्रेडिएंट ही है जो बताई नहीं जाती है, वो नहीं बताई जाती है। अभी मैं एक आध दो
आइटम कहें तो बता देंगे, लेकिन क्या फ़ायदा बताने में, क्या है वो इतनी कास्टली है कोई लगाएगा नहीं, ना दाम सुन के भाग जाएंगे, भाग जाएगा, सही बात है, है? तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। और लोग कहते हैं इतनी महंगी है, हकीकत में डोर का मुझे कमाई से कोई मतलब नहीं है। आज मैं बता दूँ, इतनी महंगी होने के बाद लोग कहेंगे बहुत कमा रहे हैं। सिर्फ ये मैं डोर इसलिए बनाता हूँ, अब तक तो पूरी बॉडी मेरी फिट है जी, अपने हाथ से काम करता हूँ बीच बीच में जी जी, चाहे आधा घंटा करूँ चाहे पौन घंटा करूँ, सुबह करता जो, उसके बाद मेरा नाम जो है ये डोर से हुआ है जी। इस नाम को जिंदा रखने के लिए मैं जो है डोर जी जी, सही बात है। अगर देखा जाए जो मटेरियल पड़ता है जी जी, जिस दिन वो कोई मुझसे सीखेगा मैं मटेरियल बता दूंगा, उसकी कास्ट वो देख के उससे शायद कोई डोर न खरीदेगा। अच्छा, मतलब आप अपने नाम के लिए आज समझ लीजिए काम कर रहे हैं। मैं अपने नाम के लिए डोर बना रहा हूँ। अच्छा, और इसके लिए क्या है, मेरी ये हमेशा इच्छा रहती है शौकीन को जो भी चीज़ दे, जो भी पैसा दे दो, जो भी चीज़ दे दो उसे जो है अच्छी चीज़ दो जी, और वरना जो है किसी को मत दो, क्योंकि देखिए पैसा कमाने के 100 रास्ते हैं जी जी, और पतंगबाज बेचारा किस तरीके, हर इंसान एक पॉकेट मनी का नहीं होता जी, बहुत से बेचारे हल्के होते हैं, बहुत से सब कुछ होते हैं, सही बात है। तो हर एक का ख्याल रख के उसमें मतलब, हम समझ रहे हैं, हर घर की परिस्थिति अलग है, सही बात है। ऐसा नहीं है कि डोर बनाने में जो मेरी कास्ट है जी, हर आदमी से ये कास्ट लेता हूँ, आप ये भी सुन लीजिए, बहुत से अच्छे शौकीन हैं उनकी परिस्थिति नहीं कि मेरी डोर खरीद सकें, कितने शौकीनों ने मुझसे ये बात कही जी, तो मैं नाम नहीं लूँगा वरना मेरे कले धले में पानी फिर जाएगा। अच्छा, शौकीनों को आज भी मैं फ्री आप कास्ट देता हूँ एक चक्की साल की। अच्छा, क्यों, अच्छा प्लेयर है, टेक्निक है, उसकी इतनी महंगी खरीदने की हिम्मत नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं औकात कहने लायक नहीं हूँ। हाँ, नहीं सही बात, आप उसकी प्लेयर को टैलेंट को समझते हैं, ही इज अ टैलेंटेड, पर वो इतनी महंगी खरीद अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस चीज का सही उपयोग कर रहा है लड़का जी जी। मैं बहुत से ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, कई जगह हैं जी जी, मैं कईयों को देखता हूँ, नाम नहीं लूंगा। आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम एक शख्स का नाम लेना चाहेंगे। अभी हमने लास्ट में एक हमारे सलील श्रीवास्तव जी हैं, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, एजी ऑफिस में, नहीं नहीं नहीं, वो इधर टेनिस प्लेयर है, एजी ऑफिस में काम करते हैं, नहीं नहीं अभी वो MRS एकेडमी है, सलील श्रीवास्तव कटघर में रहते जी 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 जी, तो एजी ऑफिस में, हाँ एजी ऑफिस में है। अच्छा, तो कोच वगैरह भी हैं, तो उनका भी हमने लास्ट में इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप जाएंगे तो एक बात पूछिएगा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि मुझे उन्होंने इतनी चरखियाँ दी हैं, आज तक उन्होंने कभी भी मतलब चरखी का पैसा नहीं लिया मुझसे। देखिए दो बातें, एक होता है दोस्ती जी, एक होता है आदमी की ना लेने की हिसाब किताब, उससे उनसे हमारी दोस्ती। हाँ, और उन्होंने आपकी सदी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सदी मुझे कम से कम नहीं तो मुझे याद है 7 से 8 चरखा, पतली मीडियम और इतनी महीन महीन सदी कि मतलब हमने अपने जीवन में इतनी महीन सदी नहीं देखी, और इतनी मजबूत, और बता रही थी 10 साल पुरानी सदी ऑरेंज रंग की थी, मुझे अभी भी याद है, मतलब सदी को पकड़ के मजा आ गया कि क्या सदी दी उन्होंने। अभी लोग मुझसे कहें कि आप बहुत महंगी देते हैं सदी, हकीकत में मुझे एक पैसा बचता नहीं सिवाय नुकसान के, जिसे आप पूछे नुकसान क्यों होता है जी, मेरा गिफ्ट फ्री ऑफ कास्ट बहुत ज़्यादा, हर जगह उबलाई फ्री ऑफ कास्ट, हम इसी से परेशान हैं, हमसे किसी के दुख दर्द और तकलीफ सही नहीं जाती, और इसकी सही माने में मैं तो चाह रहा हूँ कोई आदमी काम सीखना चाहे मैं सिखाऊँ, नहीं सीखना चाहता, मटेरियल बताऊँ दाम बता दूँ ये जाओ बाज़ार से ऐसे ऐसे लेके बनाओ, कास्ट नहीं आएगी उसकी, नहीं आएगी कास्ट। मतलब जो लोग सोचते हैं आप बहुत प्रॉफिट में हैं और बहुत कमा रहे हैं, तो असल में कुछ और ही मामला है। मैं कभी किसी से कहता नहीं कि मेरी सद्दी खरीदो। अच्छा, आप नहीं कहते ना, लेकिन आपकी सद्दी के लिए मारा मारी है देश में, वो इतने मैसेज आते कि विंदी मामा की सद्दी ले, हमने कहा उनका इंटरव्यू करेंगे, मैं सामने पूछवाऊंगा कि सद्दी इतनी दे नहीं पाते प्रोडक्शन हिसाब से। हाँ, क्योंकि देखिए एक कारीगर दिन भर में एक बनाता है, क्योंकि उसमें पड़ती लेबर। अच्छा अच्छा, लेबर पड़ती है, ऐसे नहीं बनती, दो महीना सा पड़ती है जी जी, केमिकल बैठालने पड़ते हैं, केमिकल भागते हैं जी, तो टाइम लगता है उसको, उसी हिसाब से मैं
पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं भाई। इतना मुझे पता है कि जितनी एक दिहाड़ी मिस्त्री की, अच्छी मिस्त्री की जी, कम से कम उतनी दिहाड़ी तो बनती है 700-800 रुपया, 900 रुपया एक दिन के, बताइए। उतना तो कम से कम इसका हक है, उतना तो राइट है। इसके ऊपर काम कर जाता है तो इसका है। यानी एक कारीगर हमारे पास से 1200-1500 रुपया डेली लेके जाता है। एक कारीगर डेली, बताइए 40-45 हज़ार का मेहमान तो यहीं से ही है। ठीक है, उसकी अपनी किस्मत, किस्मत है, मेहनत भी तो कर रहा है, मेहनत करता है वो। पाँच चार चार कारीगर हैं हमारे पास और एक लड़का हेल्पर रहेगा, दो लड़के हैं साथ में, मैं लगा रहता हूँ, पूरी गाइडेंस हमारी रहती है। जब तक डोर बनती है मैं अड्डा छोड़ के नहीं हटता, अड्डा छोड़ के हटता ही नहीं। ये नहीं कि डोर बन ली कारीगर अपने, नहीं नहीं मामा, ये चीज़ तो हम देखिए, जब से माधे पौन घंटे से आपका इंटरव्यू करा, आप देखिए इतनी धूप में देखिए पूरी डोर उतरवा रहे हैं, पूरा जो है गाइडेंस आपका आया नहीं है, है तो जब नहीं हालात खराब हो जाते हैं, नहीं आता, फंस जाते हैं कारीगर। हाँ तो है ये किसी मामा, ये हर सारे बिजनेस में जिस दिन अपने आपने कारोबार लेबर पर सौंपा उस दिन समझ लीजिए उल्टी गिनती शुरू। आप ये बात और बताइए, पूरी जिंदगी में जी लेबर काम बहुत बदतमीज है। जब तक इंसान को अपना तजुर्बा ना हो लेबर कमा के नहीं दे सकती, और सिवाय आपके बने नाम को गंदा करती। सही बात है, अगर आपने इंसान को खुद तजुर्बा होना चाहिए। टेक्निकल अगर ये टेक्निकल चीज़ है जी, तजुर्बा नहीं है तो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। सही बात है, इतनी कंपटीशन है मार्केट में, इतना मतलब वो है, मारी मारा है, बिना आदमी को अपना तजुर्बा हो यहाँ पे प्राइस से कम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। वजह क्या है कि कास्ट आती है, क्वालिटी नहीं मिलेगी जी। हम प्राइस से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। प्राइस तो आप फ्री भी ले जाओ, हम समझने को तैयार हैं। तो मामा हमारा एक सवाल और था, हालांकि सवाल की झड़ी ख़त्म नहीं हो रही, आज हम मिले तो सोच रहे हैं कि जितना पूछ सकते हैं आप पूछ लें। तो ये बताइए, जैसे पतंगें होती हैं तो पतंगों में तो हम लोग जैसे कि नीम की पत्ती गोलियां डाल के उसको सेव करते हैं, दूसरा मांझा होता है उसको कवर करके मॉइस्चर से बताते हैं। अगर हमें टूर सेव करना हो लंबे समय के लिए तो हमें इसमें क्या मतलब कि देखना चाहिए कि हम इसको लंबे समय तक सेव कर सकें? कागज़ बांध के इसके मॉइस्चर ना जाए, बस कागज़ बांधना है ऊपर, और कैसी जगह पर रखे जहाँ ड्राई सूखी जगह पर रखें सेफ रहेगी। तो इसकी लाइफ क्या होती होगी मामा? लाइफ मतलब लाइफ के साथ, हमारी लाइफ के साथ, आजीवन आजीवन। अरे बाप रे, मतलब कि इसको कीड़े खाएंगे नहीं, ये जो कई चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा, से कीड़े खाएंगे नहीं, आपने ऐसे ही टर्माइट डाल दिया इसके अंदर, इसको कीड़े खाएंगे नहीं, छिपकली इसके ऊपर आएगी नहीं। अच्छा, ऐसे केमिकल हैं, कुत्ता इसको खाएगा नहीं, चाटेगा नहीं। आप मेरा मटीरियल सड़क पे फेंक दीजिए, ना गाय खाएगी, ना खाएगी, ना कुत्ता खाएगा। हालांकि जिस चीज़ों में केमिकल होता है वो चीज़ें गलने लगती हैं, लेकिन आपने कुछ अलग ही बात बताई अपने सर्दी की। अच्छा, इसकी टाइम पीरियड 5 घंटे है। 5 घंटे? हाँ, जो ये मेरा मटेरियल सवेरे बनाता हूँ जी, इसका टाइम पीरियड 5, 5.5, 6 घंटे के अंदर ख़त्म कर, उसको गलाना है, मतलब आपको वो यूज़ कर देना, यूज़ कर देना, ये डेड हो जाएगा वो मटेरियल ख़राब। अच्छा, आप ले जाओ किसी काम के लिए। अच्छा, ये भी बात है, तो प्री प्लान ही सब रहता है कि हाँ अभी आज मुझे बनानी, तो बड़ा हाँ बड़ी वेल रिसर्च चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमरूद के पेड़ हैं, ये देखिए नीम के पेड़ हैं, आंवला है, ये देखिए मामा ने इतनी चीज़ें व्यवस्थित कर सकी है कि गर्मी अभी देखिए प्रयागराज में 46-47 डिग्री गर्मी पड़ती है, तो इस गर्मी में भी जो यहाँ पे स्टाफ इनके काम कर रहे हैं उनको गर्मी ना लगे। तो उन्होंने देखिए बहुत दूर का विजन सोच के रखा था 10 साल पहले कि यहाँ पे पेड़ उगाएंगे ताकि पेड़ की छाव में काम कर सके। तो हमारे सिस्टम बना चुका है, तो मामा हमारे वाकई दूरदृष्टि से ही शुरू से काम करते रहे और इसी वजह से आज इतने बड़े मकाम पर पहुँचे। और मामा, जहाँ तक हमने एक चीज़ सुनी है कि आपने अपनी सदी रजिस्टर्ड करवा ली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हो गई है ये जो जब से मोदी सरकार आई है जी, इन्होंने इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से आपने रजिस्टर्ड करा लिया, मतलब अपना जो है सद्दी पेटेंट करा लिए। सद्दी पेटेंट क्या, हमने ये सद्दी का काम ही पेटेंट करा लिया। ये देखिए इस पतंगबाजी के मुकाम को मामा हमारे कहाँ ले गए। तो मामा आपका बहुत बहुत, मेरी उसमें बिंदी मामा के नाम से फर्म, बिंदी मामा के नाम से फर्म है, प्रोप्राइटर वीरेन पाल वधावन वधावन। मोबाइल नंबर तो मेरा है। मामा एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, इन केस उन ये नंबर उन लोग के लिए बताया जा रहा है जो मामा की सद्दी जिनके पास है और वो ये श्योर नहीं कि वो डुप्लीकेट है ओरिजिनल, तो मामा बता दें। पूछ सकते, हाँ फोन कर, मामा एक बार अपना नंबर बता दीजिए। 7905253910, एक दफ़ा फिर रिपीट करिए जी। 7709
5253910। अगर किसी को कोई शक छुपा हो, कुछ हो, तो मुझसे इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकता है ये आपकी है कि नहीं, क्योंकि लोग मार्केट में बहुत करते हैं। मैं किसी को क्या कहूँ, कोई शौकीन बेगुनाह फंस ना जाए, किसी का मेहनत का पैसा जी, इस वजह से मुझसे पूछ सकता है, उसको बाकायदा रिप्लाई मिले, जवाब मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बिंदी मामा। तो बिंदी मामा, कार्डबाजी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये रहे हमारे प्रयाजशाल। तो मामा एक बार सबको बोल दीजिए कि कार्डबाजी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। आप लोग चैनल देख रहे हैं, बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ी सी इतने उंगली को कष्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। आज बिंदी मामा की इज्जत का सवाल है, और जितने भी प्रयागराज में देख रहे हैं या पूरी इंडिया में देख रहे हो, मामा की लाज जरूर रखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।